स्वागत है दोस्तों आपका हिंदी ज्ञान चैनल में। हिंदी व्याकरण की आज की कक्षा का हमारा विषय है वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द। इस कक्षा में हम वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द के टॉप 30 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जीवित रहने की इच्छा के लिए एक शब्द है जिज्ञासा, 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 जिज्ञासा। सही है ऑप्शन बी जिज्ञासा, जीवित रहने की इच्छा जिज्ञासा। जिसके हाथ में वीणा हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है वीणा धारणी, वीणा पाणी, वीणा पाणी, वीणा धरणी। सही है ऑप्शन सी वीणा पाणी। जिसके हाथ में वीणा हो वीणा पाणी अर्थात सरस्वती। जिसकी बहुत चर्चा हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है चर्चित, प्रचलित, बहुप्रचलित, बहुचर्चित। जिसकी बहुत चर्चा हो सही है ऑप्शन डी बहुचर्चित। जो कठिनाई से समझ में आए के लिए एक शब्द है दुर्बोध, दुर्गम, दुर्लभ, दुष्ट। सही है ऑप्शन ए दुर्बोध। जो दिखने में प्रिय लगता है के लिए एक शब्द है समदर्शी, दर्शन प्रिय, प्रियदर्शी, दर्शनीय। सही है ऑप्शन सी प्रियदर्शी। अगला प्रश्न है, बड़वागिन शब्द कौन से वाक्यांश के लिए है पेट की आग, जंगल में लगने वाली आग, पानी में लगने वाली आग, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही है ऑप्शन सी पानी में लगने वाली आग बड़वागिन। पेट की आग जठरागिन, जंगल में लगने वाली आग दवागिन और पानी में लगने वाली आग बड़वागिन होता है। किसी कार्य में दूसरे से आगे बढ़ने की इच्छा के लिए एक शब्द है अग्रेषणा, प्रतिस्पर्धा, स्पर्धा, दूरगामी। सही है ऑप्शन बी प्रतिस्पर्धा। सत्वक शब्द कौन से वाक्यांश के लिए है फूलों का गुच्छा, जहाजों का समूह, चाबियों का समूह, इनमें से कोई नहीं। सही है ऑप्शन ए फूलों का गुच्छा। सत्वक जहाजों का समूह बेड़ा, चाबियों का समूह गुच्छा होता है। व्याकरण की जानकारी रखने वाला के लिए एक शब्द है व्याकरणिक, व्याकरणविद, व्याकरण, व्याकरण गाता। सही है ऑप्शन सी व्याकरण। जिसका निवारण कठिन हो के लिए एक शब्द है दुर्बोध, दुर्निवार, दुर्निवारण, दुर्लभ। सही है ऑप्शन बी दुर्निवार। अगला प्रश्न है, अल्पज्ञ शब्द कौन से वाक्यांश के लिए है कुछ भी न जानने वाला, कम जानने वाला, सब कुछ जानने वाला, अधिक जानने वाला। सही है ऑप्शन बी कम जानने वाला अल्पज्ञ। जो समान आयु का हो वाक्यांश के लिए एक शब्द बताएं व्यसक, समव्यसक, समान आयु, समा आयु। सही है ऑप्शन बी समव्यसक। जिज्ञासा शब्द कौन से वाक्यांश के लिए है जीवित रहने की इच्छा, जीने की इच्छा, जीतने की इच्छा, जिसकी इच्छा की गई हो। सही है ऑप्शन सी जीतने की इच्छा जिज्ञासा। अजानुबाहु शब्द कौन से वाक्यांश के लिए है जिसकी भुजाएं लंबी हो, जिसकी भुजाएं छोटी हो, जिसकी भुजाएं मोटी हो, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो। सही है ऑप्शन डी जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो अजानुबाहु। तीव्र बुद्धि वाला व्यक्ति वाक्यांश के लिए एक शब्द बताएं बुद्धिमान, कुशाग्र, बुद्धिमानी, तीव्र बुद्धि। सही है ऑप्शन बी कुशाग्र।
इंद्रजीत शब्द कौन से वाक्यांश के लिए है? जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, जिसने इंद्र को जीत लिया हो, जिसने इंद्रियों को जीतना हो, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही है ऑप्शन बी, जिसने इंद्र को जीता हो। जिसका वर्णन न किया जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताएं। वर्णीय, अकथ्य, अवर्णीय, तुलनीय, अतुलनीय। सही है ऑप्शन सी, अवर्णीय। अगला प्रश्न है, मीठा बोलने वाला व्यक्ति, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताएं। मुमुक्षु, मितभाषी, मधुरभाषी, मिठ बोल। सही है ऑप्शन सी, मधुरभाषी। इतिहास से संबंधित ज्ञान रखने वाला, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताएं। इतिहासकार, इतिहासविद, इतिहास ज्ञाता, इतिहासज्ञ। सही है ऑप्शन डी, इतिहासज्ञ। बुभुक्षा शब्द कौन से वाक्यांश के लिए है? लाभ की इच्छा, जीतने की इच्छा, खाने की इच्छा, जीने की इच्छा। सही है ऑप्शन सी, खाने की इच्छा, बुभुक्षा। आधी रात का समय, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताएं। निशा, रात्रि, विभावरी, निशित। सही है ऑप्शन डी, निशित। समीधा शब्द कौन से वाक्यांश के लिए है? यज्ञ में आहुति देने वाला, हवन में जलाने वाली लकड़ी, हवन के लिए सामग्री, यज्ञ के लिए प्रस्तुत सामग्री। सही है ऑप्शन बी, हवन में जलाने वाली लकड़ी, समीधा। 100 वर्षों का समय, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। सतत, संवत, शताब्दी, शतक। सही है ऑप्शन सी, शताब्दी। नेपथ्य कौन से वाक्यांश के लिए सही है? रंगमंच का पर्दा, वह मंच जहां नाटक का अभिनय हो, रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान, रंगमंच में काम करने वाला व्यक्ति। सही है ऑप्शन सी, रंगमंच के पर्दे का पीछे का स्थान नेपथ्य होता है। अगला प्रश्न है, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। कन्या पुत्र, कानीन, कुमारी सुत, कन्या सुत। सही है ऑप्शन बी, कानीन। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, कानीन होता है। मोक्ष की इच्छा रखने वाला, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। मुमुक्षु, मोक्षिक, तपस्वी, मुक्ति मार्ग। सही है ऑप्शन ए, मुमुक्षु। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। शस्त्र, अस्त्र, धनुष, बाण। सही है ऑप्शन बी, अस्त्र। प्रहरी शब्द कौन से वाक्यांश के लिए है? जो पूजन करता है, जो पढ़ता है, जो पहरा देता है, जो वस्त्र पहना जाता है। सही है ऑप्शन सी, जो पहरा देता है, प्रहरी। जो गुण दोष का विवेचन करे, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। समीक्षक, आलोचक, व्याख्याता, आलोच्य। सही है ऑप्शन बी, आलोचक। जो गुण दोष का विवेचन करे, आलोचक कहलाता है। प्रष्टव्य शब्द कौन से वाक्यांश के लिए है? पूछने योग्य, पढ़ने योग्य, पूजने योग्य, पहनने योग्य। सही है ऑप्शन ए, पूछने योग्य, प्रष्टव्य। ये वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द के 30 क्वेश्चंस हैं, जिन्हें हमने जाना है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और जानकारी आसानी से मिलती रहे। धन्यवाद।